जम्मू कश्मीर में आज 195 के 95 थानों में कहीं पर भी 144 की धारा अप्लाई नहीं, पूर्णतया से उठा लिया गया। सिर्फ एहतियात के तौर पर रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कुछ थानों में अप्लाई किया है, और मुझे लगता है रात को 8 बजे से सुबह 6 बजे तक बहुत इकट्ठा होने की जरूरत भी नहीं होगी। सभापति महोदय, ये जहाँ तक इंटरनेट सेवाओं को लागू करने का सवाल है, इस पर उचित समय पर वहाँ के प्रशासन की अनुशंसा के आधार पर ही निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कश्मीर में पड़ोसी देश के द्वारा भी बहुत सारी गतिविधियाँ चलती रहती है, और वहाँ की कानून और व्यवस्था और सुरक्षा को देखकर ही ये निर्णय लिया जा सकता है। तो जब वहाँ के प्रशासन को उचित समय लगेगा वो मीटिंग कर बताएंगे, तब इस पर हम निर्णय। आज के ज़माने में इंटरनेट बाकी चीज़ों के अलावा एजुकेशन और हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी, right. आज पूरे बच्चे इंटरनेट पर पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन यह है कि इंटरनेट जो माननीय गृह मंत्री ने बताया कि पड़ोसी देश माननीय 1947 से है, हमने कई जंगें उनके साथ लड़ी हैं, और 30 साल से आतंकवाद चल रहा है। हम भी चीफ मिनिस्टर, right, एक दिन के लिए इंटरनेट बंद होता था, लेकिन 3.5 महीने के लिए इंटरनेट दुनिया में कभी बंद नहीं हुआ। मंत्री जी, और इससे शिक्षा और स्वास्थ्य को नुकसान। आजाद साहब ने कंसर्न व्यक्त करी, इसके साथ मैं सहमत हूँ। इंटरनेट आज की जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है, और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए। मगर उन्होंने भूतकाल की बात करी, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश भर में मोबाइल आया लगभग 95, 96, 97 के आसपास मोबाइल शुरू हुआ। आजाद साहब, आपको याद होगा कि कश्मीर में मोबाइल 2003 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार शुरू किया, तब तक सुरक्षा कारणों से शुरू नहीं किया। इंटरनेट को भी कई सालों तक रोका गया, 2002 से वहां इंटरनेट की परमिशन दी गई। मान्यवर, मेरा इतना ही कहना है कि ये बात ठीक है कि सूचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपक्रम है, परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है, कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है, और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है, तब हमें कहीं ना कहीं प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है। और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा, हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर जो पिछले 3 महीने से हालात खराब है, वहाँ सबसे जो ब्लट लगा है वो एजुकेशन सेक्टर को लगा है। क्या गवर्नमेंट के पास कोई सुविधा है कि जो 3 महीने जो सफ़र एजुकेशन हुई, क्योंकि हमारे बच्चे कम्पीट नहीं कर सकते हैं देश के बाकी बच्चों के साथ, उनके लिए क्या स्पेशल प्रावधान होगा आने वाले कल में, ताकि हमारे जो बच्चे जो सफरर्स हैं वो कम्पीट कर सकते हैं। दूसरी बात, जो मेडिकल सिस्टम मेडिकल फैसिलिटी वहाँ हो थी, वो पहले 3 महीने से सफ़र हो रही है। जो प्राइवेट शॉप्स हैं उनके पास वो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, वो दवाई अवेलेबल नहीं है। क्या गवर्नमेंट ये कर सकती है कि अस्पताल में पूरा वो दवाई रख सके, ताकि जो कश्मीरी लोग सफ़र हो रहे हैं उनको वो उसका फायदा मिले। मंत्री जी, माननीय, दवाइयों की उपलब्धता पर्याप्त है और कहीं पर कोई तकलीफ नहीं है। मोबाइल दवाइयों की वैन भी शुरू करी गई है, और अस्पताल के अंदर भी जो दवाइयों की दुकानें हैं वहाँ पर पर्याप्त संख्या में दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, वहाँ की सरकार ने इसके पूरे इंतजाम करे हैं। अगर सदस्य को थोड़े आंकड़े भी जानना है तो मैं दे सकता हूँ कि बहुत सारी अस्पतालों में जो कुल दर्दी श्रीनगर शहर में सितंबर 19 में 7,67,000 की ओपीडी हुई थी, मैं सिर्फ श्रीनगर शहर की बात कर रहा हूँ, और अक्टूबर में 7,91,000 एक शहर में। इसका मतलब इतने छोटे से शहर के अंदर 7,91,000 लोग ओपीडी अटेंड करते हैं, तो कहीं पर भी स्वास्थ्य का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि कहीं पर भी अगर किसी भी सदस्य के पास सूचना है कि रिमोट एरिया में भी स्वास्थ्य की तकलीफ है, वो सीधा मुझे संपर्क कर सकते हैं।
मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं 24 घंटे के अंदर ही सारी सेवा को। विल द ऑनरेबल होम मिनिस्टर इन्फॉर्म दिस हाउस एज टू इन हिज एस्टिमेशन अप्रॉक्सिमेटली हाउ मच मोर टाइम वुड बी रिक्वायर्ड टू रिस्टोर टोटल नॉर्मलसी इन द वैली। मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कब पूरी स्थिति सामान्य होगी। पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है, सामान्य ही है स्थिति वहां। मैं आपको थोड़ी डिटेल बात इसलिए बताना चाहता हूं सभापति महोदय कि देश और दुनिया में इसके लिए कई प्रकार की भ्रांतियां, कोई गलत आशा नहीं होगा, मगर फैली हुई है। तो मैं इस सदन के माध्यम से देश की जनता के सामने ये पूरी कश्मीर की सामान्य स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, 5 अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं होगी। एक भी व्यक्ति की मौत पुलिस फायरिंग से। इस सदन में सबने आशंका व्यक्त कर दी, रक्त की नदियां बह जाएगी, रक्तपात हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे जाएंगे। मुझे आनंद है कहते हुए माननीय, एक भी व्यक्ति की जान पुलिस की गोली से नहीं, एक नागरिक। सीआरपीसी के तहत 144 के तहत लगाए गए सारे प्रतिबंध 195 के 95 पुलिस स्टेशन के अंदर लिफ्ट कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपैरिजन में कमी आई है। पिछले वर्ष 802 पत्थरबाजी की घटनाएं हुई थी अब तक, और इस बार 544 हुई, तो पत्थरबाजी भी कम हुई। सभी 20,411 स्कूल खुले हैं, परीक्षा सुचारू रूप से ली जा रही है। 11वीं कक्षा के 50,537 विद्यार्थियों ने में से 50,272 मतलब 99.48% ने परीक्षा दिया है, और 10वीं और 12वीं कक्षा के 99.7% विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया है। घाटी के सभी हॉस्पिटल और स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आगे बताया ही संख्या माननीय, पेट्रोल डीजल केरोसिन एलपीजी और चावल गत साल से सेल के अंदर 8% से 16% की वृद्धि है, कहीं कोई कमी नहीं। गत साल की कंपैरिजन में मैं कर रहा हूँ। सेब का जहां तक सवाल है, अब तक काफी सारी मात्रा में सेब बाहर निकल चुके हैं। 22.58 लाख मैट्रिक टन की संभावना है उपज की, उसमें से बहुत सारा सेब बाहर निकल गया है। 2018 में मैं बताता हूँ, बाद में आप पूछे मैं बताता हूँ, एक बार सुन तो लीजिए। सामान्य स्थिति के बारे में पूछा उन्होंने, ही आस्क्ड फॉर नॉर्मलसी टू बी रिस्टोर्ड। नो प्लीज, दिस इज अ मैटर कंसर्निंग द सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द पीपल एंड नेशनल यूनिटी। आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी टू अराइज नाउ। माननीय मैं गुलाम, प्लीज माननीय, व्हाट इज टू बी अलाउड व्हाट इज नॉट टू बी अलाउड टू बी डिसाइड बाय द चेयर। अंबिका जी प्लीज, यू कैन डिस्कस इट बाय गिविंग ए नोटिस सेपरेटली एग्जॉस्टिवली ऑल्सो। ही आस्क फॉर नॉर्मलसी टू बी रिस्टोर्ड टोटली। माननीय गुलाम नबी साहब ने माननीय सदस्य का ऊपर सवाल ध्यान से नहीं सुना है। उन्होंने पूछा कब तक स्थिति सामान्य होगी, तो सामान्य सिर्फ एजुकेशन में नहीं होती है गुलाम नबी साहब, हमारे दिमाग में है, वो ही लेकर चलेंगे तो ठीक नहीं होगा। नहीं वो भी बताता हूँ, मैं वो भी बताता हूँ। पूरे से बाहर की व्यवस्था हो चुकी है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था हो चुकी है। अगर किसान को कोई दिक्कत है तो नाफेड़ के द्वारा खरीदी की भी व्यवस्था की है, और उसके तहत लगभग 6000 टन से मैट्रिक टन से ज्यादा सेब नाफेड़ ने खरीदे भी है। सभी 93,247 लैंडलाइन खुल चुकी है, राइट। 59 लाख मोबाइल, अभी स्कूल पर आना है, 59 लाख मोबाइल। देयर इज नो रूल फॉर मेकिंग कमेंट्स लाइक दिस। पूरे चालू है, अति आवश्यक कार्यों के लिए 10 जिलों में 280 ई टर्मिनल चालू करे, जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था है। घाटी में इंग्लिश,
नहीं 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 प्लीज ऐसा व्याख्या मत करिए। साहब मैं गुलाम नबी साहब को कहना चाहता हूं कि वो रिकॉर्ड पर इस आंकड़ों को चैलेंज करे। मैं जिम्मेदारी के साथ यहां बोलता हूं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। ओके, इस तरह से आप गुलाम नबी साहब इस तरह से सत्य को झुठला नहीं सकते। आप रिकॉर्ड पर ऑब्जेक्शन लीजिए कि आंकड़ा गलत है। रिटेड प्रेस, यू हैव गिवन नोटिस एंड वी हैव सम पीपल हैव गिवन नोटिस। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद द होम मिनिस्टर। एक घंटे की चर्चा के लिए वी विल बी हैविंग ए डिस्कशन ऑन दिस सब्जेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टॉक टू हिम एंड ही वाज रेडी टू एक्सेप्ट इट ऑल। मान्यवर, राइट, उर्दू इंग्लिश के सभी अखबार, सभी टीवी चैनल चालू है। उनका सर्कुलेशन लास्ट टाइम के लास्ट ईयर्स के अनुकूल ही है। right, मतलब सभी प्रेस मीडिया काम कर रहा है। बैंकिंग सुविधा पूरी तरह से चालू है। शुरू के 3 दिन छोड़कर 1 दिन भी क्लियरिंग बंद नहीं रहा है। घाटी में सभी इलाकों में अधिकांश दुकानें खुली रहती हैं, दोपहर को बंद रहती है, शाम को फिर से शुरू रहती है। सभी सरकारी ऑफिस और कोर्ट्स भी चल रहे हैं। जनता के द्वारा लगभग अब तक हाईकोर्ट में 36,192 This is a national issue. Please bear for it. Otherwise, I would not have allowed. Please. 36,192 केस नए हाईकोर्ट के अंदर आए हैं और 52,000 से ज्यादा केसों में 5 अगस्त के बाद चुकादे मतलब फैसले सुना दिए गए हैं। राइट। अक्टूबर महीने में 316 में से 307 ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए। इसमें 98.3% पोलिंग है। राइट। और विशेष रूप से कहना चाहता हूं, निर्विरोध कुछ नहीं हुआ है। गृह मंत्री जी,